फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन लर्न टुगेदर। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे हैं हमारी जो साइट ओपन है वो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की साइट जो है वो ओपन हो चुकी है। फ्रेंड्स आज जो टॉपिक रहने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि जो स्टूडेंट 2023 में बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो हम बताएंगे उनको कि बीएससी नर्सिंग में एडमिशन कैसे होता है, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज है यूपी में। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं कि हमारी जो साइट ये ओपन है वो अटल बिहारी वाजपेयी की जो साइट है वो ओपन है, और इसी से रिलेटेड क्या हो गया है ना, यूपी में KGMU एंड अटल बिहारी वाजपेयी दोनों जो है वो मिक्स कराती हैं अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में डिटेल में जानेंगे कि बीएससी नर्सिंग में एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे दे सकते हैं 2023 में। तो पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स आप लोग बता दें कि यूपी में अब क्या हो गया है कि हमारे जो यूपी में एक यूनिवर्सिटी है अटल बिहारी वाजपेयी जो कि लखनऊ में लोकेटेड है एंड KGMU वो भी लखनऊ में लोकेटेड है। तो अब क्या होता है कि अटल बिहारी जो है वो अपना एंट्रेंस फॉर्म निकालती है, CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराती है। तो KGMU एंड अटल बिहारी दोनों, मतलब कि ABBMU अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, दोनों यूनिवर्सिटी मिलकर एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं। तो यूपी में अब अगर आप लोग एडमिशन लेना चाह रहे हैं कि हम कहीं जाकर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है। बीएससी नर्सिंग के एडमिशन के लिए आप लोगों को ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ज़रूरी होता है। तो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम 2 साल से हो रहा है। आप लोग अगर न्यू स्टूडेंट है तो आप लोगों को नहीं पता होगा, ये एंट्रेंस एग्ज़ाम 2 साल से हो रहा है। 2 साल से कहीं भी एग्ज़ाम, मतलब सॉरी, कहीं भी एडमिशन नहीं मिल रहा है बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हुए। और इसकी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए भी कंडीशंस हैं, वो आप लोगों को पता होगा, मतलब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। लेकिन कंडीशंस ये हैं कि 200 का पेपर आता है, उसमें आप लोगों के 100 मार्क्स आना कंपलसरी है, 50% मार्क्स आना कंपलसरी है, तभी आप लोगों को एडमिशन मिलेगा। मैं ये बात प्राइवेट की कर रही हूँ, प्राइवेट में भी एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उसमें भी आप लोगों को 50% मार्क्स कंपलसरी हैं। तो यूपी में कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज इंक्लूड हुए तो मैं आप लोगों को ये भी बता देती हूँ। देखिए पहले क्या था कि बहुत सारे, जैसे कि कानपुर का GSBM है एंड SFI यूनिवर्सिटी है, तो ये बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम अलग कंडक्ट कराती थी, तो आप लोगों को अलग फॉर्म फिल करना पड़ता था, काफ़ी एक्सपेंसिव था, मतलब कि 1100 का तो UPUMS यानी कि SFI यूनिवर्सिटी का फिल करना पड़ता था एंड ऐसे GSBM का था। तो अब क्या हो गया है कि यूपी में, जैसे कि आप लोग जब एडमिशन ले लेंगे बीएससी नर्सिंग में पढ़ने लगेंगे तो आप लोगों को यही यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी। अब अटल बिहारी ही सारा कुछ काम देखती है। पहले कौन देखता था यूपी का, पहले कौन देखता, छत्रपति साहू जी यूनिवर्सिटी देखती थी, मतलब कि छत्रपति साहू जी यूनिवर्सिटी जितने प्राइवेट कॉलेज थे उनका सबका छत्रपति साहू जी देखती थी, जो कानपुर की यूनिवर्सिटी है, और जितने भी अदर गवर्नमेंट कॉलेज थे वो अपना अलग फॉर्म कंडक्ट कराती थी, अलग एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी। तो मैं बता दूं कि जो यूपी में कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो इंक्लूड हुए हैं, मतलब अटल बिहारी में, जो अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो अलग से नहीं कराती है। तो पहले तो अटल बिहारी एक न्यू यूनिवर्सिटी है, तो ये तो इसने शुरुआत ही सब चीज़ से, मतलब सब चीज़ खुद कराने लगी, तो इसकी तो अलग बात है। तो KGMU भी पहले अलग कराता था एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो KGMU में भी 7 कॉलेज आते थे, सहारा, विवेकानंद करके, वो प्राइवेट कॉलेज थे, लेकिन KGMU की जो अलग सीटें थी 130 थी आई थिंक, ऐसे कुछ थी। तो KGMU भी इसी में इंक्लूड हो गया है। तो बताने का मतलब ये है कि अगर आप लोग एक फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसमें आप लोग कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, पहले आप लोग एग्ज़ाम देंगे, शुरुआत से समझिएगा। जैसे कि आप लोगों ने एंट्रेंस, मतलब एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल कर दिया, फिर उसके बाद डेट आएगी, एग्ज़ाम डेट आएगी कि अब आप, कब आप लोगों का एग्ज़ाम है, फिर आप लोग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देंगे हर डिस्ट्रिक्ट में, मतलब जहाँ से आप बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर आप लोगों का सेंटर रहेगा। फिर उसके जब काउंसलिंग होगी तो आप लोगों को बहुत सारे कॉलेज वहाँ पे देखने को मिलेंगे, जितने भी यूपी में प्राइवेट कॉलेज हैं वो तो आ ही जाएंगे, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज आप लोग जहाँ से हैं, जिस एरिया से हैं, वहाँ पर अगर नहीं गवर्नमेंट मिल रहा है तो काउंसलिंग के टाइम सब पता चल जाएगा, तो आप लोग वहाँ पर ले सकते हैं अगर प्राइवेट कॉलेज में लेना चाह रहे हैं। और गवर्नमेंट की बात करें तो KGMU एंड अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी कानपुर का
GSBM गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज आप सभी लोग जानते होंगे, काफ़ी फेमस है, जिसे हैलट नाम से जानते हैं। एंड सैफई यूनिवर्सिटी जो है UPUMS उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी मेडिकल साइंस, तो ये यूनिवर्सिटी पहले कराती थी BSc नर्सिंग का, अपना अलग एग्जाम कंडक्ट कराती थी। और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी जो है, बुंदेलखंड जो यूनिवर्सिटी है वो भी अटल बिहारी से ही होगी, जो झांसी में है। फ्रेंड्स बता दें कि अगर आप लोग यूपी के अदर हैं, अदर यूपी मतलब यूपी से अदर बिलोंग करते हैं, जैसे कि दिल्ली के बहुत सारे कॉलेज हैं, एंड BHU तो हमारा इधर यूपी का ही, लेकिन BHU जो है वो नीट एग्ज़ाम से लेने लगा है। BHU एंड अदर यूपी से जो यूपी के अदर आते हैं उनके लिए क्या हो रहा है, नीट का एग्ज़ाम देना पड़ता है, नीट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। एंड जो एम्स है उसके फॉर्म जो है वो मतलब चल ही रहे हैं, आप लोगों को पता होगा कि अभी नहीं फिल किया तो फिल कर दीजिएगा एग्ज़ाम। एम्स की जो एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है वो चल रही है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को अटल बिहारी के बारे में सब कुछ पता हो गया होगा। और इसका सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। जो सिलेबस है तो सिलेबस जो एग्ज़ाम में आएगा एंट्रेंस एग्ज़ाम में, तो वही फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आएगी। देखिए इसमें बायो को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, जितने फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, बायो आती है, रीजनिंग आती है, नर्सिंग एप्टीट्यूड आती है। तो आप लोगों को मेरे चैनल के थ्रू तैयारी बहुत ही जल्द हम कराने लगे। मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो अपलोडेड हैं जो कि BSc नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो आप लोग वो भी प्रेफर कर सकते हैं। और हम एक दो दिन में जो है वीडियो डालने लगेंगे। जो स्टूडेंट 2023 की तैयारी करना चाहते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की, तो मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँचे। सो फ्रेंड्स आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आप लोग डाउट कमेंट बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगी। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ।